रिश्ते में तो हम तुम्हारे होस्ट लगते हैं, नाम है बाबा फिल्मी। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे पास सिनेमा है चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम बात करेंगे 1988 में आई सुपरहिट फिल्म शहंशाह की, जिसके डायलॉग्स और शानदार कॉस्ट्यूम आज भी लोगों को याद हैं। जो कॉस्ट्यूम अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में पहना था, दरअसल वो सेकंड चॉइस कॉस्ट्यूम था। फिल्म शहंशाह का असली कॉस्ट्यूम पहना था जितेंद्र जी ने। जानना चाहेंगे ये दिलचस्प कहानी बाबा फिल्मी की जबानी? तो शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिल्म कालिया की सफलता के बाद टीनू आनंद जी अमिताभ बच्चन के साथ एक और फिल्म बनाने की तैयारी शुरू कर चुके थे। टीनू आनंद जी हमेशा से चाहते थे कि सुपरमैन की तरह ऐसा एक कैरेक्टर फिल्म में हो जो हो तो एक ही लेकिन दो तरह के कैरेक्टर वो निभाए, जो एक होता है वो बहुत ही डरपोक और दूसरा एक सुपर हीरो टाइप जो जस्टिस दिलाता है। फिल्म की तैयारी जब शुरू हुई तो सबसे ज़्यादा ध्यान शहंशाह के कॉस्ट्यूम पर देना था, क्योंकि ये कॉस्ट्यूम ऐसी होनी चाहिए जिसे देखकर दर्शक वाह वाह कह उठे। उस दौर में अमिताभ बच्चन के सारे कॉस्ट्यूम्स जो डिज़ाइन करते थे वो थे अकबर, तो उन्हीं के साथ मिलकर टीनू आनंद जी ने ब्लैक लेदर में एक कॉस्ट्यूम तैयार किया जिसके शोल्डर्स पर रस्सी लगाई गई थी। तमाम तैयारियाँ जोरों शोरों में चल रही थी, मगर उसी दौरान कूली के सेट पर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन करीब करीब मौत के मुंह में पहुंच गए थे। इस हादसे से उबरने में अमिताभ बच्चन को कई साल लग गए। तब तक टीनू आनंद जी अमिताभ बच्चन के ठीक होने का इंतज़ार करते रहे, लेकिन इसी दौरान उन्हें एक ऐसी फिल्म दिखी जिसे देखकर वो चौंक गए, क्योंकि इस फिल्म में शहंशाह का वही कॉस्ट्यूम जितेंद्र जी पहने हुए नजर आए। ये फिल्म थी 1986 में आई आग और शोला। और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन अब फुली फिट थे और उन्होंने टीनू आनंद जी को फिल्म जल्द से जल्द शुरू करने को कहा और अपना कॉस्ट्यूम भी उनसे मांगा। अब टीनू आनंद जी के लिए मुसीबत ये थी कि नया कॉस्ट्यूम किस तरह से बनाएं। तो उन्होंने इसके लिए सहारा लिया कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर किशोर बजाज का, और उनके साथ हज़ारों मैगजीन्स के पन्ने पलटने के बाद उन्होंने ये कॉस्ट्यूम फाइनल किया। अब इस कॉस्ट्यूम को नए तरीके से डिज़ाइन करने के बाद इसमें से रस्सियों को हटाकर यहाँ पर स्टील की प्लेट्स लगाई गई, जिसने इस कॉस्ट्यूम को और शानदार बना दिया। और ये 14 किलो का कॉस्ट्यूम जब अमिताभ बच्चन ने चेन्नई में पहना और आईने के सामने 10 मिनट खड़े रहकर अपने आप को देखते रहे, तब टीनू आनंद जी समझ गए थे कि अब इस कॉस्ट्यूम का हिट होना लगभग तय है। अमिताभ बच्चन जी की खराब सेहत को देखते हुए टीनू आनंद जी ने यह सोचा कि कॉस्ट्यूम का वजन थोड़ा कम किया जाए और कुछ सीन्स में स्टील की जगह एल्यूमिनियम की प्लेट्स का यूज़ किया जाए, लेकिन अमिताभ बच्चन जी इस पर अटल रहे कि प्लीज़ आप जैसा कॉस्ट्यूम है उसे वैसे ही रहने दें ताकि उसका इम्पैक्ट पर्दे पर उसी तरह आए। तो ये था प्रोफेशनलिज्म हमारे शहंशाह का। तो 1.5 करोड़ की लागत में बनने वाली ये फिल्म जब रिलीज हुई तो इसने ब्लॉकबस्टर बनकर 6 करोड़ की कमाई की और दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया। और इसमें एक अहम योगदान था शहंशाह के उस कॉस्ट्यूम का जिसे लोग आज भी याद करते हैं, और ये अमिताभ बच्चन के द्वारा यूज़ किया गया किसी भी फिल्म में सबसे बेस्ट कॉस्ट्यूम रहा है। इस कॉस्ट्यूम का जलवा 30 साल बाद भी बरकरार है। पिछले साल अमिताभ बच्चन जी के बर्थडे पर उनके फैंस ने इसे ऑक्शन किया और उसमें भी इसने अच्छी खासी कमाई की। तो उम्मीद है आज का ये दिलचस्प किस्सा आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह से मनोरंजक किस्से जानने के लिए देखते रहिए बाबा फिल्मी के साथ मेरे पास सिनेमा है। जाते जाते फिर आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो मित्र या रिश्तेदार जो फिल्मों को पसंद करते हैं उनके साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए।